Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. I am your science teacher. Today I am going to teach you lesson number 6, insects. आज हम लेसन नंबर 6 इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े. ओके, लेट्स रीड द लेसन. अब हम लेसन को पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए. ओके, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स. सभी कीड़ों के पास 6 टांग होते हैं. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स. ज़्यादातर कीड़ों के पास पंख होते हैं. दे कैन फ्लाई. वे सभी उड़ सकते हैं. समझ में आ गया? नाउ आई विल रीड आउट द नेम्स ऑफ द इंसेक्ट्स अलोंग विद द पिक्चर्स. अभी मैं कीड़ों के नाम पढ़ने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए. ओके, HOUSEFLY, हाउस फ्लाई. HOUSEFLY, हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई को हिंदी में मक्खी कहते हैं. MOSQUITO, मस्क्यूटो. MOSQUITO, मस्क्यूटो. मस्क्यूटो को हिंदी में मच्छर कहते हैं. ANT, एंट को हिंदी में चींटी कहते हैं. COCKROACH, कॉकरोच. COCKROACH, कॉकरोच. कॉकरोच को हिंदी में तिलस्ता कहते हैं. B double E, को हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं. BUTTERFLY, butterfly. BUTTERFLY, butterfly. butterfly को हिंदी में तितली कहते हैं. WASP, wasp को हिंदी में बरत कहते हैं. GRASSHOPPER, grasshopper. GRASSHOPPER, grasshopper. grasshopper को हिंदी में चालाक कहते हैं. DRAGONFLY, dragonfly. DRAGONFLY, dragonfly. dragonfly को हिंदी में सिद्धा कहते हैं. LADYBIRD, ladybird. LADYBIRD, ladybird. ladybird को हिंदी में इंद्रगुप्त कहते हैं. BEDBUG, bedbug. BEDBUG, bedbug. bedbug को हिंदी में खटमल कहते हैं. ओके, इन सभी को इंसेक्ट कहते हैं. इंसेक्ट का मतलब है कीड़े मकोड़े. अभी आप लोगों को समझ में आ गया? नाउ आई विल गिव यू होमवर्क. अभी मैं होमवर्क दे रही हूँ. क्वेश्चन, नेम 5 इंसेक्ट्स. NAME, नेम. FIVE, 5. INSECTS, इंसेक्ट्स. नेम 5 इंसेक्ट्स. पास कीड़े मकोड़े के नाम लिखिए. ओके,
इस होमवर्क को लिखकर सबमिट कीजिए. ओके, थैंक यू.